नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, बहुत ही हार्ट टचिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टूडेंट किल्ड बाय रशियन अटैक, विल इंडिया चेंज स्टैंड्स इन यूक्रेन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन, यूक्रेन वॉर का जो बहुत ज़्यादा अगली चेहरा है ये फाइनली हमको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है फ्रॉम यूक्रेन। एक इंडियन स्टूडेंट की यहाँ पर मौत हुई है, नवीन नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे खरकीव में। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रशियन अटैक की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। नाउ यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ आपको, बहुत से आर्टिकल में ये वर्ड दिखेगा शेलिंग, कि जी रशिया की तरफ से बम बरसाए जा रहे थे और उसी बीच कई यूक्रेन के सिविलियन मारे गए और इंडिया के एक स्टूडेंट भी यहाँ पर मारे गए। मगर जब इनके मित्र से पूछा गया, जो इनके यहाँ पर क्लासमेट थे, जो इनके साथ पढ़ रहे थे यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में, इनसे पूछा गया कि इनके दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो इन्होंने ये कहा है कि नवीन को गोली मारी गई। ये स्टेटमेंट है श्रीधरन की, जो नवीन के हॉस्टल का दोस्त था। इन्होंने ये कहा कि नवीन को गोली मारी गई 10:30 बजे सुबह, और उस टाइम नवीन बेसिकली एक लाइन में खड़ा था, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, बेसिकली कुछ खाने का सामान परचेज कर रहा था किसी दुकान से। अचानक से रशियन आर्मी ने सिविलियंस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी और उसी में नवीन की डेथ हो गई। अब देखिए, जो एग्जैक्ट रीज़न है यहाँ पर डेथ का, ये तो किसी को पता नहीं है, मगर ये आज के समय सबको पता है कि रशिया का जो एग्रेशन है, इसकी वजह से कई सिविलियंस यूक्रेन में मारे जाएंगे। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी भी हमारे कई हज़ारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं, और इनमें से कई स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे खारकिव में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन का नक्शा है, ये आप जो एरो देख रहे हो इस डायरेक्शन में रशियन आर्मी आज के समय आगे बढ़ रही है इन यूक्रेन। मैंने आपको बता दिया था कि रशिया का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाला है, ये वेस्टर्न यूरोप के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेटो फोर्सेस खड़ी है। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई मिसाइल चल गया नेटो के अगेंस्ट, तो एक फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो रशिया अभी के लिए क्राइमिया से आगे बढ़ रहा है, ऊपर बेलारूस से अटैक कर रहा है, कीव की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग। उसके अलावा खारकिव पे भी ये बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रशियन फोर्सेस के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि खारकिव अभी तक इनके हाथ में नहीं आया। इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत बॉम्बिंग करी यहाँ पर, मगर अभी भी कैसे ना कैसे करके यूक्रेन के लोगों ने, इनकी आर्मी ने, ये जो बहुत ही बड़ा शहर है इनका, पकड़ के रखा है। और खारकिव के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो रशिया के बॉर्डर के काफ़ी करीब है, कोई छोटा सा शहर होगा, नहीं, ये यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। बहुत ही सुंदर शहर है अपने आप में, यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी इंडियन जाते हैं पढ़ने के लिए, ये लोग जो नीट यूजी के स्कोर्स हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा खारकिव एक बहुत ही बड़ा कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल सेंटर भी माना जाता है यूक्रेन का। इंटरेस्टिंग बात देखिए, खारकिव की ज़्यादातर जो आबादी है ये रशियन स्पीकिंग है, यूक्रेनियन स्पीकिंग यहाँ पे आपको लोग कम मिलेंगे, मगर तब भी ये लोग रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ऑल टुगेदर रशिया कब्जा ले इनके सुंदर शहर को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, खारकिव ने पिछले 70 साल से, आज के समय 70 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, कोई भी जंग नहीं देखी थी। आखिरी बार खारकिव की बॉम्बिंग हुई थी जब हिटलर ने USSR पे अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में। आपको बताया होगा हिटलर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने थर्ड राइक पे ज़रा फोकस कर दिया, USSR पे अटैक किया, अटैक फेल हो गया, और उसके बाद नाजी जर्मनी की भी हार हुई वर्ल्ड वॉर टू में। तो तब से लेकर अब तक पहली बार ये शहर इस लेवल का वॉयलेंस देख रहा है। और मैं इस लेवल का वॉयलेंस यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया ने अब ओपनली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खारकिव की। जो यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर सिविलियंस के रहने की जगह है, ओपनली वहाँ पर रशिया बॉम्बिंग कर रहा है। इनिशियली रशिया कोशिश कर रहा था कि सिर्फ यहाँ पर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं इनको अटैक करे, मगर अब रशिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खारकिव की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है खारकिव को। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है खारकिव की सरकार के हेडक्वार्टर्स, और कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अभी ये इस तरीके से पूरे शहर में बॉम्बिंग हो रही है। और अब मजबूरी में क्या हो रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स छुपे हुए हैं बंकर्स में। इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स, कोई जो यहाँ पे मिलिट्री बंकर्स हैं वहाँ पे छुपे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की। ऑब्वियसली इनके पास खाने को बहुत कम है, बीच में कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत करते हैं ऊपर आने की, कुछ एक शॉप से कुछ परचेज करने की, मगर वहाँ पर जान का खतरा लगा रहता है।
और नवीन के साथ भी आप अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है। बेसिक खाने पीने की चीज़ को परचेज करने की कोशिश कर रहे थे तभी उन पर अटैक कर दिया गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि रशियन आर्मी ने स्पेसिफिकली इनको ही टारगेट किया है, ये अंधी फायरिंग कर रहे हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट भी मारे गए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ये कह रहे हैं, विद प्रोफाउंड सोरो वी कन्फर्म दैट एन इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खरकेव दिस मॉर्निंग, द मिनिस्ट्री इज इन टच विद हिज फैमिली। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया, ये आज के समय बात कर रहे हैं रशियन एम्बेसडर टू इंडिया और यूक्रेनियन एम्बेसडर से भी, और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर सीज फायर हो जाए, फायरिंग बंद हो जाए, ताकि एक सेफ पैसेज निकल पाए और इंडियन स्टूडेंट्स निकल पाए इस रीजन से। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि खरकेव पे इतनी ज़रा वार्मिंग हो रही है कि स्टूडेंट्स का अपने बंकर से बाहर आना एक बहुत ही बड़ा जोखिम होगा। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करीब 300-400 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स खरकेव में फंसे हैं। वैसे आप अगर देखो तो ऑपरेशन गंगा के अंडर हम लोग 1400 से ऊपर इंडियंस को वापस ला चुके हैं यूक्रेन से। जब यूक्रेन की वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी तब यूक्रेन में थे करीब 16 से लेकर 17,000 इंडियन स्टूडेंट्स, इसमें से 7-8,000 तो इनिशियली भाग गए जब न्यूज़ सामने आई कि रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं अब यूक्रेन की तरफ। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक गए थे अब उनको लाने की कोशिश की जा रही है, इनमें से कुछ पोर्शन है खरकेव में। और इंडिया के ऑपरेशन गंगा की प्रॉब्लम इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि देखिए खरकेव के अलावा आप अगर देखो तो कीव पर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो एम्बेसी है इन यूक्रेन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, एडवाइजरी है टू इंडियंस इन कीव, जल्दी से जल्दी कीव किसी भी तरीके से छोड़ के चले जाइए, चाहे ट्रेन मिले कोई और रास्ता मिले, कीव से जितना दूर हो सके चले जाइए, क्योंकि अब बहुत ही बड़े स्केल पर बैटल होने वाली है कीव पे और डेफिनेटली बॉम्बिंग होगी, यहाँ पर सिविलियंस मारे जाएंगे। एस इंडियंस हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर यही होगी कि इंडियन जाने यहाँ पर बच जाएं, एस इंडियंस हमारी कोशिश यहाँ पर यही होगी, प्रायोरिटी सबसे ऊपर यही होगी कि इंडियन नेशनल्स की जान यहाँ पर बच जाए। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंडर अब इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। मेरे हिसाब से पहले कर देते सही रहता, मगर अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन कर लिया है। C-17 ग्लोब मास्टर को यूज़ करेगा इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रॉम यूक्रेन। क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर अब यही है कि क्या इंडिया बड़ा रिस्क लेगा। बड़ा रिस्क यहाँ पर यही है कि सीधा यूक्रेन में लैंडिंग करो, वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को वापस लेके आओ इंडिया में। इसमें खतरा यही बना रहेगा कि कोई मिसाइल कहीं का, कोई S-300 का मिसाइल, S-400 का जो मिसाइल है, ये ऐसे ही अगर मान लो उड़ गया और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया तब हम क्या करेंगे, तो रिस्क बहुत बड़ा है। देखना यहाँ पर ये होगा कि ये जो प्लेन्स है लैंड कहाँ पर करेंगे, क्या ये पोलैंड में लैंड करेंगे, यूक्रेन में लैंड करेंगे, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊँ तो इनके यहाँ जो कैजुअल्टीज़ हैं आम नागरिकों की, कीव में भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी रिसेंटली इस लड़की की फोटो दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, ये एक प्राइमरी स्कूल गर्ल थी और अनफॉर्चुनेटली जब ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ घर के बाहर निकली तब अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गई और ये मारी गई। तो देखिए कैजुअल्टीज यूक्रेन में बढ़ने वाली है। इंडिया के पास एक ऑप्शन यहाँ पर अभी ये भी है कि हम लोग रशिया से सीधा डायरेक्टली बात करें कि देखिए हमको आधा दिन दीजिए, हमारी एयरफोर्स आएगी और हमारे जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं हम उनको इवैक्यूएट कर देंगे, इतना तो हमको यहाँ पर टाइम दीजिए, अपनी इन्वेजन में कुछ हद तक यहाँ पे विश्राम लगा दीजिए। मगर रशिया के लिए भी ये करना बहुत ही मुश्किल होगा, रशिया भी फुल ऑन असोल्ट कर रहा है। अगर रशिया आधा दिन दे देता है यूक्रेन को तो यूक्रेन के सैनिक वो टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने डिफेंसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑलरेडी न्यूज़ आ रही है कि जर्मनी समेत वेरियस कंट्रीज़ अब वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेनियंस को, तो रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी स्विफ्ट ये लोग अटैक करें, जल्दी से ये पूरा एरिया कैप्चर कर ले। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि एज एन इंडियन सिटीजन आपका क्या मानना है कि इंडिया का स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि रशिया यहाँ पर बॉम्बिंग करना नहीं रोकता और अनफॉर्चुनेटली कुछ और इंडियन स्टूडेंट्स की यहाँ पर कैजुअल्टी की न्यूज़ आती है, तो क्या उस केस में इंडिया को रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए, यूएन में कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए रशिया के अगेंस्ट? मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली यूपीएससी एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी यूपीएससी कोर्सेज। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अगर अनअकैडमी.com पे जाके, कार्ड में एक एक कोर्सेज को अलग अलग डालोगे तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, कॉम्बो में एक्स्ट्रा सेविंग होती है यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके एडिशनल पैसे बचेंगे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PG10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2025 के आसपास एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का,
तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 36 मंथ कोर्स, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी जीरो के साथ। ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत बड़े बड़े तजियाकार जो हैं जिन्होंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि रशिया मतलब हमला करने वाला है, अटैक करेगा यूक्रेन पे, तो अब ये जंग जो है ये आर्मी जंग होने वाली है, मतलब सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का आवाज़ है। लेकिन अब तक जो कंडीशन है नहीं हुई, और आपने जैसे कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि रशिया सुन नहीं रहा किसी, रशिया जो है वो उसका जो एग्रेशन वो मज़ीद बढ़े जा रहे हैं और मज़ीद वो मिलिट्री बढ़ाए जा रहे हैं, मज़ीद हमले सब हो रहे हैं, न्यूक्लियर तक की भी बात हो रही है, हो रही है, ये भी वो कर सकते हैं। और उसके असरात आपको पता है कितने डेंजरस होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, चलिए कंट्री तक महदूद रहे तो बात और है, लेकिन कंट्री में भी आम आवाम और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इस सिटी पे कोई बमबारी होती है या इस सिटी को नुकसान होता है तो कितना मदद होगा। अच्छा, यहाँ के लोग कितने, जहाँ पर कभी भी हालात खराब नहीं हुए, कह रहे हैं ये वो सिटी था, ये वो सिटी है कि जहाँ पर कभी भी हालात ख़राब नहीं हुए, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, कल्चर ठीक है ना, और ज़्यादातर रशियन लैंग्वेज वाले लोग हैं, रशियन बोलते हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, ठीक है ना। तो उस जगह को अगर नुकसान पहुँचता है, देखिए सबसे पहले तो ये सोचें कि आप उसको यूक्रेन में तस्वर ना करें, आप उसे कुछ ऐसी जगह तस्वर करें जहाँ इंसान रहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए ये इंसान सोचे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपकी ही लैंग्वेज के लोग वहाँ रहते हैं, तो रशियंस ही तो है, लेकिन वो भी मतलब वो जो खारकेव है ना उससे ठीक है, ज़्यादातर रशियंस हैं, उन्होंने अभी बताया खुलकर कि टोटली ही रशियंस हैं और वो भी उसको सेव कर रहे हैं, यानी कि रशियंस मिलिट्री को नहीं घुसने दे रहे, रशियन फौज को नहीं घुसने दे रहे, उनको बचा के रखा है, कब्जाने से बचा के रखा है। मेन चीज़ ये बता रहे हैं, मतलब मेन चीज़ जो थोड़ी सी रिसर्च हुई है की है, मेन चीज़ ये पता चल रही है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा था। सही, यूक्रेन जो है वो एक ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, जो मतलब है कि रशिया की जो एग्रीमेंट है यूक्रेन के साथ उसके अगेंस्ट है, यानी कि जो यूक्रेन सबसे पहले रशिया का पार्ट था। सही, फिर उसके बाद अलग हुआ, अलग होने के बाद तो कुछ ह्यूमन कंडीशन थी या आपने अपनी जिंदगी या अपने रूल्स जो हैं इस पर रख लें, तो वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। सही, जा रहा था, तो जिसका मतलब है कि वो नहीं सुन रहे थे रशिया की, तो रशिया ने फिर ये बहुत बहुत बाद में स्टैंड लिया, बहुत सोच समझ के, यानी कि एक होता है पानी सर से गुजर जाना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ तक यूरोपीय यूनियन आती है यूक्रेन तक, तो यूँ समझ लो रशिया को ऐसा लग रहा है कि नेटो जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, समझो मेरे घर तक आ गई, तो उससे ना बिल्कुल, तो उससे वो अपने घर से दूर रखना चाह रहा है, तो उसका हाथ बनता है जहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ है, सबसे पहले तो ये कि यूक्रेन जो है वो कम से कम आवाम की भलाई के लिए, उस खत्ते की भलाई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी दिखाता। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि वीडियो में मेंशन किया कि पहले उसने ये कहा था कि मिलिट्री जो इदारे हैं या मिलिट्री वगैरह के ऊपर वो अटैक करेगा, बॉम्बिंग करेगा, शैलिंग करेगा, लेकिन उसके बाद रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं और लोग इस तरीके से मतलब बंकर में बैठे हुए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी जो रेजिडेंशियल एरिया में जो आम आवाम है उनका जो नुकसान हो रहा है, कुछ जो मर रहे हैं, तो ये किस खाते में, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो होता ये ना कि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, अच्छा उसको आपको निभाना है तो निभाना है, मतलब अगर आप जैसे हम दोनों हैं, मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट करूँ, हम दो पार्टीज हैं, और मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट करूँ और मैं साइन कर दूँ उस पर, तो मैं बोलूँ हाँ मैं इसके तहत ही चलूँगी और फिर मैं शुरू कर जाऊँ, तो ये ठीक है। अच्छा, आप मुझे बोलते रहे, वॉर्न करते रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपकी ना सुनूँ तो आप हो जाओगे मेरे से, एक आता है, एक टाइम आएगा, उसके बाद आप बोलो कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब मैं तबाह हो बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगा, और जब सामने वाला कहे कि जो करना है कर लो, तो फिर ना इंसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मामले को मतलब वही आपकी वाली बात, टेबल टॉप पे भी सुझाया जा सकता था, लेकिन जब वो सुनते तब, और रशिया ने सारे काफी जो बड़े बड़े देश है उन सबको एतमाद में भी ले लिया, ब्रीफ किया, सबको ब्रीफ किया, इतना बड़ा स्टैंड लेने से पहले आपको दुनिया को एतमाद में लेना होगा।
बिल्कुल, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों रशिया गलत नहीं लग रहा एक जगह अगर हम सोचें तो, और यूक्रेन, बस मुझे अफसोस इस बात का है जो आम जनता है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दूसरी नेशनल्स हैं, तो वो जो फंसे हुए हैं उनका जो नुकसान हो रहा है, उनकी जो जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, वो अब आप बताएं कि एक इंसान जो कुछ सामान लेने जाता है, ज़रूरत की अशिया लेने जाता है, ग्रॉसरीज लेने जाता है, पता नहीं किन हालात में होंगे, इस तरीके से बिल्कुल पैक हैं, और अगर वो लेने जाता है और उस वक्त वो मारा जाता है तो उसकी फैमिली में क्या मिस्ट्री होगी, क्या हालात होंगे। वैसे जब एक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड जब कंट्री से बाहर होता है तो समझो एक तरह से दिल आधा हो जाते हैं, दुनिया दुनिया हो जाती है। अच्छा, जब वो दूसरे ही देश में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो मैं कहता हूँ उसके लिए, उनके उस फैमिली के लिए, उनके लिए तो वही कयामत है। अच्छा, इंडिया की ये कोशिश बहुत ज़बरदस्त कि वो अपने जो स्टूडेंट हैं, नागरिक हैं, पाकिस्तान से मतलब कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, इंडियन आर्मी वगैरह जो है बचा रही है या उनको लेकर आ रही है वहाँ से, तो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इंडियन फ्लैग्स लेकर खड़े हैं। सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से बचाने के हवाले से कोई खास नहीं आई है। अच्छा, मैंने एक दो फोटेजेस भी देखे जिसमें स्टूडेंट्स बहुत फरियाद कर रहे हैं, बहुत मतलब छोटी सी व्हाट्सएप क्लिप आया था तो उस पर भी हम उसका रिएक्शन दे दें, जिसमें थोड़ी सी इस पर डिटेल से बात हो जाएगी, बाकायदा पाकिस्तानी स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं तो उस पर प्रॉपर एक छोटा सा रिएक्शन दे देंगे, छोटी सी वीडियो है। तो वही सोच रहे हैं कि शायद हमें इंडियन समझेंगे तो हमें भी मतलब प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, हमें भी ले जाएंगे, हम भी इंडियन बनकर चले जाएंगे, तो इस तरीके से हो रहा है, मतलब वहाँ भी उनका मन बचाना है। मैं समझता हूँ कि यूक्रेन को कम से कम लोगों की मजीद जाने ज़्यादा ना हो, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो चीज़ें फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, अपने देश को मजीद तरक्की दें, अपने नागरिकों को मजीद तरक्की दें, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी बका के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कहीं पर जो नुकसान नहीं समझ रहे आप, लेकिन आपकी आवाम, अगर हम कुछ चीज़ें भले के लिए सोचते हैं तो वो आवाम के और अपने कंट्री के भले के लिए सोचते हैं, अगर उस भले के चक्कर में हमारा मुल्क ही ख़त्म हो रहा हो, लेकिन दो चीज़ें होती हैं नुकसान, एक छोटा नुकसान, एक बड़ा नुकसान। आप किस नुकसान को बर्दाश्त करना पसंद करेंगे, आप अपनी ईगो को, अपने एग्रीमेंट्स को, या फिर अपने दूसरे फायदे को, या इतना बड़ा नुकसान जिससे कंट्री दाव पे लग जाए, वहाँ की ज़िंदगियाँ दाव पे लग जाए, तो आप क्या देखोगे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने कंट्री को देखोगे, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो भी आप अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद शायद अभी वो सेल्फिश होकर ही तो सोच रहे हैं, वो अपने बारे में ही तो सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने आवाम को, कंट्री को नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि शायद अभी ये वक्त है कि उन्हें अपने बारे में, अपने ईगो के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अभी सोचना चाहिए उन्हें कंट्री के बारे में, आवाम के बारे में, जो आम लोग, जो नमासूम लोग मर रहे हैं, जो बच्चे, जो बूढ़े, वो इस तरीके से नज़र हो रहे हैं जंग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनके बारे में सोचना चाहिए, आप अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड कर देना चाहिए, जो भी एग्रीमेंट से जो भी मानते। और देखिए, अगर एक्शन लेना चाहिए था, अगर आपको करना चाहिए था, अगर आपको एतराज़ करना चाहिए था, तो जब करना चाहिए था, जब ये एग्रीमेंट्स हो रहे थे, तब आप कहते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते आपके साथ ये एग्रीमेंट्स, और क्या कहते हैं, हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर बात होती कट टू कट। अब जब क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, उसको आप नहीं निभा रहे हो, तो कोई भी अग्रेसिव होगा, वो रशिया हो, चाइना हो, कोई भी हो, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं ले रही, तो उनका एग्रेशन सही है। अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कोई एक मुल्क उसको नहीं निभाए, तो दूसरा मुल्क तो ऑटोमेटिक उसके अंदर गुस्सा आएगा, उसमें बदल आएगा। ये दुआ करेंगे कि मैं कहता हूं कि आलमी जंग की तरह बड़ी जंग की तरह, लेकिन शवाहिद इसी बात का इशारा कर रहे हैं, और बहुत पूरी दुनिया का भी इस पर फर्ज बनता है, रशिया को भी एक तरह से कंट्रोल करने का, समझाने का, यूक्रेन को भी समझाने का, इस पर पूरी दुनिया इस कोशिश में लग जाए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब घर किसी और के घर में आग लगी होती है तो हम तमाशा देखते हैं, वो आग हमारे घर में भी आ सकती है, हवा हवा के जरिए से उसकी चिंगारी होती है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि हम तमाशा देख रहे हैं, हमने देखा बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मना कर रहे हैं, रशिया को रोक रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं कंट्रोल हो रहा। बातचीत भी है, लेकिन ये वहाँ से कोई बातचीत नहीं है, ख्वाहिश करूँगा कि
यहीं पर ख़त्म हो जाए, किसी का भी कोई नुकसान ना हो। मजीद दोबारा दोस्तों किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।